112 पर फिर से फोन करो ईशान। अभी दो मिनट पहले ही तो किया था विदान, उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस आ गई है। एम्बुलेंस आ गई? कहाँ आ गई है? जवाब दो, मुझे क्यों नहीं नजर आ रही कोई एम्बुलेंस ईशान? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जमील भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मेरे शोहर तो उस बच्चे को ढूंढने गए हैं, मुझे लगा कि आप भी उनके साथ गए होंगे। मैं नहीं गया। माशाल्लाह, मुझे लगा हम दोस्त हैं, पर शायद अब हम दुश्मन हो गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा यार? मैंने तुम्हें रात को बताया नहीं था कि मंगनी टूट गई है, और तुम्हारा शौहर ताहिर के साथ उस लड़की को ढूंढने चला गया। बेशर्मी से उसने जमील को रात में फोन भी कर दिया। अरे मेरी तुर्कन, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? अगर मैं ना होती तो तुम्हें ये खबर कैसे आती बताओ? चलो बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। इस्तांबुल वाली लड़की का शौहर आया और ताहिर ने उसे मारा। उसने उसे इतना मारा, वो खुद को रोक ही नहीं पाया। पता है क्या मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया? ताहिर अकेला था और वहाँ 20 लड़के खड़े थे, सबको मार दिया। अरे तुम भी ना लड़की, हद है वैसे, एक ही कपड़े पहने हैं कब से। बात सुने खाला, कल जो भी हुआ उसकी खबर आप तक तो पहुँच ही गई होगी। अगर अभी भी आपको बाजी का दिल दुखाना है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं, मैं दुख देने नहीं आई हूँ। ताहिर ने मंगनी तोड़ी है भी या नहीं अभी कुछ पता नहीं है। सानिया ने कहा आखिरी फैसला उसका बेटा ही करेगा। लेटाने के बाद कैनूला निकाल दीजिए। ठीक है, पता है मुझे। मैं भी आ सकता हूँ? नहीं, मैं देख लूंगी। ठीक है, तो फिर आप इसको अच्छी तरह सेट करके ये। जी जी, मुझे सब पता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब सब चीज के लिए। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो हजार का डब्बा किस लिए है ये बताओ? ये सीरम का मसला विदा से मुतालिक है। चलते हैं। तुम थोड़ा ठीक हो जाओ फिर हम चलते हैं। अम्मी रास्ता देंगे आप? काश के हम एम्बुलेंस वापस न भेजते। जब ये ताहिर को तुम्हारे करतूतों का बताएगा तो फिर तुम्हें भी ड्रिप की जरूरत पड़ सकती है। मैं ड्रिप लगा लूंगा, तुम मेहंदी लगा लेना, ठीक है? तुम सब लोग मिलकर मुझे मारना चाहते हो ना? चलो तो आज किस्सा खत्म कर दो। आप ही की कमी थी बस यहाँ। हाँ, ये तो कब से तैयार है। अम्मी हम सारी रात सोए नहीं है, शोर नहीं करिएगा, ठीक है? मैं भी पूरी रात नहीं सोया, मैंने तो पलक भी नहीं झपकी। ओए 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 ओए, तुम तो बहुत भारी हो भाई, मुझे नानी याद दिला दी। जादुई से मैं जल्दी से बड़ा हो गया। ओए
ताहिर, इस ट्रिप को लटकाने की कोई जगह तो बना दो। तुम इसलिए औजार का डब्बा लेकर आए? मेरे शेर, मैं रात को चांद को देखकर चीखा, आपने सुना क्या? हाँ सुना था, फिर मैंने सोचा कि हमारा शेर किसी काम पे लगा हुआ है। मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और ना रोया। हमारा बहादुर शेर। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है। रो लो फिर मेरे शहजादे, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की इजाजत है। किसी को बताऊंगा नहीं, डरना नहीं। मैं रोते हुए आप दोनों का गले लगा लूं?